नमस्कार, अविघ्ना फूड बुक में आपका स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मटर चीज़ स्प्रेड। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम सामान में बन जाती है और ये सभी को बहुत पसंद आई। इसे आप ब्रेड पर, रस पर लगाकर आराम से खा सकते हैं। और इसे बनाने के बाद इसे आप 15 से 20 दिन आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बनाने चलते हैं मटर चीज़ स्प्रेड। चीज़ मटर स्प्रेड बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो 1 कप मटर के छिले हुए दाने, आधा चम्मच ऑरेगेनो, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये 2 अमूल के मोजरेला चीज़ के क्यूब्स हैं। ये 2 क्यूब्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मटर के दानों को उबलने के लिए चढ़ा देंगे एक पैन में। उसको मटर के दानों को डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इन्हें गलने तक हम पकाएंगे। हमारी मटर उबल रही है तब तक हम ये चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। हम चीज़ को ओपन करेंगे इस तरह से, रैपर इसका हटा देंगे। हमने रैपर हटा दिया है, अब हम इसको ग्रेट करेंगे। इस तरह से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। रफली ग्रेट करना है, कोई हमें अच्छी तरह से नहीं ग्रेट करना है। हमारे मटर के दाने भी उबल चुके हैं। अब हम सबसे पहले इन्हें एक ग्राइंडर में डालेंगे। ग्राइंडर में मटर के उबले हुए दाने डालेंगे। अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज, ऑरेगानो, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मोजरेला चीज में ऑलरेडी नमक होता है तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अपने हिसाब से डालिए। अब इन सारी सामग्री को हम इकट्ठे पीस लेंगे। हमारा इस तरह से हमने कर लिया है। ये अभी मुझे थोड़ा सा दरदरा लग रहा है। इसमें हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी आप डाल लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसे फिर से चर्न कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हो गया है। बिल्कुल इस तरह से हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब हम अपने इस स्प्रेड को निकाल लेंगे। हमारा मटर चीज स्प्रेड तैयार है। इसे आप रस पर या ब्रेड पर लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसे बड़े भी बहुत आसानी से खा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है ये। यदि आपको मेरी ये मटर चीज स्प्रेड की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्ना फूड बुक पर शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अविघ्ना फूड बुक।